अपने पाप माफ करो, आप भी आओ भगवान के मंदिर में, हम भी आए, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी बल्कि बाकी धर्मों को भी बुलाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी आए, पूरा देश आनंद में झूम उठा। लेकिन नहीं आए तो एकमात्र नहीं आने वालों का नाम है कांग्रेस पार्टी वाले, ये भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराते हैं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, जो भगवान राम को ठुकराएंगे जनता उनको वोट देगी क्या? आप बताओ वोट देंगे क्या? तो ये हमारे लिए अब कितने बेशरम है, भगवान राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, इतने बड़े समाज की भावनाओं को कुचल रहे हैं और बेशरम से वोट मांगने आ रहे हैं कि हमको वोट दो वोट दो वोट दो। भैया तुम हमारे अपने भगवान का अपमान करोगे और हमसे वोट की कामना करोगे, दोनों बात नहीं चलेगी। एक बात तय, कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी माफी मांगे कि हमने निमंत्रण ठुकरा के गलती की थी तो जनता माफ करेगी, अन्यथा माफ करेगी क्या? आप बताओ, अपने देवी देवता का अपमान करो और आप हमारे सामने वोट लेने आओगे, ये नहीं चल सकता। ये तो 56 इंच के सीने वाले का ही निर्णय है। भगवान राम, जोरदार ताली बजाओ, भगवान कृष्ण। और आप अयोध्या तो छोड़ो, अरब में जाकर अबू धाबी में भी मंदिर का लोकार्पण अगर किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराया, यह उदाहरण हमारे सबके सामने। और एक नहीं दो नहीं कितने प्रकार के उदाहरण, आज समय कम पड़ जाएगा, आपके इस क्षेत्र के अंदर ही आने वाले समय में चित्रकूट में हमने प्राधिकरण बनाने का प्रयास किया है कि मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये जो उदात्त भावना का पूरा पवित्र क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के अंदर नर्मदा का भी पवित्र तटों से मिलाते हुए नर्मदा परिक्रमा बनाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आने जाने के मार्ग बनेंगे, जगह जगह अन्न क्षेत्र खुलेंगे, जगह जगह नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सारी सुविधाएं बनेगी। सरकार हमारी, माँ नर्मदा की हमारी भक्ति। और आप तो हल्दी उगाने वाले भी हो, कौन कौन उगाता हल्दी? कोदो कुटकी, कोदो कुटकी आजकल तो ज्वार, मेरे जो आंकड़े देखे तो ज्वार मक्का सब बढ़ गई है यहाँ पुराने से। पहले 4000 हेक्टेयर में होती थी, आजकल 8000 हेक्टेयर में हो रही। तो आप चिंता मत करो, ये मोटे अनाज को जिसको नाम कितना सुंदर दिया, एक बार फिर जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी सरल बात थी, हमारी कोई भी पूजा पाठ अगर रोली कंकु हल्दी अबीर गुलाल ये तो सब रख दो, लेकिन अगर उसमें धान नहीं रखो तो पूजा पूरी नहीं होती। ये गेहूं हमारा नहीं है, गेहूं बाहर से आया हुआ है, इसलिए सिर पे तिलक भी लगाते हैं तो धान के 4 दाने चिपका करके ऐसा लगता है भगवान मिल गए, ये आनंद हमारे यहां बरसता है, ये धान से ऐसा प्रेम। लेकिन इस धान को नीचा दिखाते हुए केवल गेहूं को माथे लगाते लगाते हमारी ज्वार मक्का धान सारे मोटे अनाज को लज्जित करने का काम किसने किया था? तो कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना सुंदर नाम दिया, ये जितने मोटे अनाज है इनको नाम दिया श्री अन्न, कोदो कुटकी से लगा के सारे अनाज का। और पूरे दुनिया में अरे कोदो की खीर तो क्या मिलती है, मजा आ जाता, क्या पूरा पूरा कटोरा खा जाओ फिर भी पेट नहीं भराता, इतना आनंद आता है। कोदो कुटकी हमारा ज्वार बाजरा मक्का, ताली वाली बजा के तो बताओ कितना आपको मुंह में टेस्ट आ रहा है। लेकिन ऐसे अच्छे अन्न को इनने पता ही नहीं चला। हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने निर्णय किया कि कोदो कुटकी में 1000 रुपया कुंटल की वृद्धि करके हमने 3000 के बजाय 4000 रुपये कुंटल का भाव आपको देने का प्रयास किया, ये हमारी सरकार ने किया। और आने वाले समय में अभी कम नहीं है, और आगे बढ़ाते जाएंगे, लगातार ये क्रम चलेगा। लेकिन अभी ये चुनाव माननीय मोदी जी का है और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम एक के बाद हम कराते जा रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, पहली अगर हमारी सरकार बनी तो रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी गोंडवाना समाज की महारानी वीरांगना, जिसने मुगलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, अपनी बहादुरी की उत्कृष्ट मिसाल कायम की, रानी अवंतीबाई लोधी
अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारी माता बहनों का सम्मान हम करते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में भी अगर पैसा देने की हिम्मत किसी की है तो एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हिम्मत है। अब कांग्रेस के लोग जब से योजना आई तब से कहते बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। क्यों भैया, क्यों बंद कर देंगे? तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? हमारी बहन बेटी को पैसा दे रहे हैं, हम नहीं देंगे क्या? अरे तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे लेकिन पैसे बंद नहीं करेंगे, चिंता मत करना। जब तक सांस है तब तक पैसे देते रहेंगे, और अभी तो कम है, और आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारे अपने बीच में ऐसे कई मौके आएंगे। अभी तो हमने गेहूं के मामले में, आपको ध्यान में है, हमने 5 साल की सरकार का संकल्प पत्र दिया कि 5 साल के लिए हमने 2700 में गेहूं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, 5 साल की सरकार अभी 3 महीने की हुई। अब कांग्रेसी के भैया 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे, ये नहीं बोल रहे कि हार क्यों गए, ये नहीं पूछ रहे। उनको पेट में दुख रहा 2700 नहीं करे। अरे क्यों नहीं करे, करेंगे। 5 साल के लिए हमने हमारी सरकार बनाई। अभी हमने 2275 का केंद्र का वो 125 हमारा, दोनों मिला के 2400 हो गए। ये लगभग 150 केंद्र सरकार ने बढ़ाए, 125 हमने बढ़ाए। अगली बार 2400 में वापस इतने पैसे बढ़ाएंगे तो 2700 तो अगले साल हो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, लगातार बढ़ते जाएंगे। ये 3000 तक का गेहूं पहुंचाए, ये 3000 तक का गेहूं पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और धान का मामले में टाइम नहीं मिला, धान होता ना अपने यहाँ पे, तो धान भी खरीद में बनाने का पूरा मौका नहीं मिला था। आने वाले समय में बजट बनेगा इसी जुलाई में, तो जिन जिन का धान बिका है उन सबको भी बोनस की राशि दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबके लिए ये लाइन सुनने वाली है। मैं ऐसी बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन आज समय की कमी है। यहाँ पर आप में से दूध वाले लोग भी बहुत है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे तो गोपाल के बिना कृष्ण की कामना करना मुश्किल है। जो गाय पाले वो सब गोपाल है। कृष्ण भगवान के भी कितने सारे रूप है, कोई एक रूप है। राधा जी के साथ खड़े हो जाए तो राधा कृष्ण, द्वारकाधीश के रूप में हो जाए तो भगवान का रूप अलग, और गाय माता पीछे खड़ी हो जाए तो गोपाल कृष्ण, और गाय माता दिख जाए तो अपने आप समझ में आया कि ये गोपाल कृष्ण वाले ही है। तो आप सब गोपाल कृष्ण के अवतारी रूप हो गए नहीं हो। तो हमने निर्णय किया है कि आने वाले समय में, जैसे अभी हम अपने अन्न खरीदने के लिए गेहूं धान इन सबके लिए बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध उत्पादन आप करोगे, दूध खरीदने के लिए भी सरकार बोनस देगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार ने योजना बनाई। हमारे किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे गांव वालों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? जब उनकी आमदनी बढ़ेगी अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हमने निर्णय किया, यहाँ युवा शक्ति भी बैठी है, बैठे ना युवाओं भी साहब, अपने यहाँ शहडोल विश्वविद्यालय में, पहले अनूपपुर कहाँ जाता था, कितने किलोमीटर रीवा, 250 किलोमीटर। हमारी सरकार ने निर्णय किया 250 किलोमीटर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। आपका विश्वविद्यालय इसी सत्र से शहडोल से जोड़ दिया गया है, यही पास के पास आप जाकर के अपने बच्चे बच्चे की मार्कशीट से लेके सारे रिजल्ट तक यही लेके आओगे। और आने वाले समय में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर, अलग अलग युवाओं के लिए अलग अलग कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, वो सारे कोर्स भी खोलने का काम अनूपपुर के अंदर करने वाले हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है। तो क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, सभी क्षेत्रों के लिए लगातार काम करने के लिए, जैसे आपने प्रदेश की सरकार बनवाई, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार तो एक बार फिर हमको मोदी सरकार बनाने के लिए आपसे आह्वान करता हूं। 2 बार सरकार बनाई 10 साल में, पूरे देश की दुनिया में निगाह बदल गई। लेकिन अब भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाना है, ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को फिर एक बार मौका देने की जरूरत है। तो हम और आप, ये फैली हुई सारी कीचड़ की गंदगी, इस गंदगी में हमको कमल खिलाना है। कैसे खिलाओगे जरा हाथ घुमा के बताओ, कैसे खिलाओगे कमल अपने? यहाँ से वहां तक सबके हाथ में कमल आना चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा पीछे तक। आपके बीच प्रेम से आया हूँ दोपहर में,
लेकिन आया हूँ तो दिल में ये मन में लेके जाऊं कि यहाँ इतना कमल खिलेगा कि लगेगा कि मशीन से फटके कमल का फूल बाहर आ जाएगा। जोरदार ताली बजा, आने वाले चुनाव में 19 तारीख के दिन हम और आप मिलेंगे पूरी ताकत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट देंगे और भारत को दिव्य भव्य दुनिया की निगाह में बनाने के लिए, हमारे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब तैयार है। जोर से बोलो, तैयार है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो हाथ की मुट्ठी और संकल्प कर लो, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए, माता बहने भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर और मुट्ठी बांध ले कि अपने इस देश के अंदर माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारा परिवार 142 करोड़ लोगों का है, ये मोदी जी हमारे परिवार के हिस्से हैं।